करो, बेल आइकन को भी दबा दो ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल तो जाए। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटे में पूरा चैप्टर हमने कवर किया हुआ है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। बिफोर वी रीड, हमें पढ़ने से पहले क्या जान लेना चाहिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, हर पशु पक्षी इंसान जानवर कोई भी हो, सबको क्या चाहिए, फूड चाहिए जिंदा रहने के लिए। द एनर्जी फ्रॉम फूड, क्योंकि वो जो फूड, वो जो खाना होता है, हमें क्या देती है, एनर्जी देता है, और उसी एनर्जी से हमारी वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, जो हमारे अंदर बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं ना, कैसे प्रोसेस, जैसे कि पाचन क्रिया, हम खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट होता है खाना, उसके लिए भी क्या चाहिए हमें, एनर्जी चाहिए। रिस्पायरेशन, हम सांस लेते हैं, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एक्सक्रेशन, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी कहाँ से मिलता है हमें, फूड से मिलता है। तीसरा, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन जानवर अपना खाना इंसान को लेकर, मतलब इंसान और जानवर अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। वी गॉट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बहुत। हम जो इंसान होते हैं, हम इंसानों को खाना या तो पौधों से मिलता है, या तो जानवरों से मिलता है, या दोनों जगहों से हमें ये खाना मिल सकता है। नेक्स्ट, ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, थ्री कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। हमारे भारत में तीन प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। सबसे पहली फसल होती है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में, मतलब जब ये वाला जो मौसम था ना, अब इसमें कौन से फसल की कटाई हुई थी, तुम जानते हो गेहूं की कटाई हुई थी, तो गेहूं हमारा कौन सा क्रॉप हो गया, रबी क्रॉप। अगर डेफिनेशन हमें इसे देना हो तो ऐसे क्रॉप्स, ऐसे फसल जो कि ठंडियों के मौसम में बोए जाते हैं, जैसे कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक, उन्हें हम क्या कहते हैं, रबी क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल, वीट हो गया, मटर हो गया, ये रबी क्रॉप होता है, ये अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में बोया और काटा जाता है। खरीफ क्रॉप, खरीफ ये जो टाइम है इसमें हमारी धान की खेती होने वाली है ना, तो धान हमारा खरीफ क्रॉप में आता है। ऐसी फसल जो कि बरसात के मौसम में बोई जाए और हमारा अक्टूबर नवंबर तक काटा जाए, उसको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। जैसे हमारी धान की खेती होगी चावल, चावल हमारा खरीफ क्रॉप है। मेज, मक्का, मक्का भी हमारा खरीफ क्रॉप में आता है। नेक्स्ट, अब तीसरा है हमारा जैद क्रॉप। ये जैद क्रॉप आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, क्योंकि आपने इसके पहले जैद क्रॉप के बारे में नहीं सुना होगा। ये ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो कि समर सीजन, मतलब ये जो गर्मियों का सीजन चल रहा है ना, उसमें बोए जाते हैं, जैसे अप्रैल और मई में। अब ये वाटरमेलन, तरबूज, ये गर्मियों का मौसम है, आप बाजार निकलोगे तो आपको तरबूज दिख जाएगा, आपको खीरा दिख जाएगा, तो ये सब कौन से क्रॉप्स में आते हैं, जैद क्रॉप्स में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टेप्स ऑफ कल्टीवेटिंग क्रॉप्स। अब ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी फसल को उगाने में, किसी भी क्रॉप को उगाने में कौन कौन सी प्रक्रिया, कौन कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला है, हमें मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, ताकि वो मिट्टी क्या हो सके, उसको हम बोलते हैं ना, पोरस हो सके, भुरभुरी हो सके ना। ठीक है, तो अगर मिट्टी हम तैयार कर लिया हमने वैसे, तो दूसरा हमारा काम होता है सोइंग। सोइंग का मतलब होता है बीज का बुआई। ठीक है, देख रहे हो ये सब क्या कर रहे हैं, अपनी फसल को बो रहे हैं, तो बोने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सोइंग। तीसरा हमारा काम होता है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, हमें खाद और उर्वरक डालने होते हैं अपने फसलों में, ये देख रहे हो आप डाल रहे हैं ये लोग, तीसरी प्रक्रिया ये होती है। चौथा, हमें अपने फसलों को सींचना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं, पांचवा, हमें अपने फसलों को वीड्स से, वीड्स का मतलब होता है, आपने देखा होगा आपके खेतों में धान की खेती है या गेहूं की खेती है, उसके साथ साथ कुछ घास भी उगाते हैं, तो उन्हीं घास को हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। तो उन वीड्स को हटाने के लिए हम ये वीडिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, दवा का छिड़काव करते हैं, ताकि वो प्लांट्स मर जाएं। ठीक है, हम वीडिसाइड्स को क्यों रिमूव करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, वीडिसाइड्स कॉम्पिटिशन करता है हमारी फसल के साथ। जैसे हमने फसल को अपने पानी दिया, यूरिया दिया, तो वो जो वीड्स है उसको भी तो चाहिए ना, तो वो कंपटीशन ना करे और हमारी फसल का उत्पाद ज़्यादा हो, इसलिए हम वीड्स को हटा देते हैं। और आखिरी काम होता है हार्वेस्टिंग, मतलब फसल की कटाई और उसका रख रखाव, मतलब काट ले फसल उसको हम, और उसको स्टोर कर दिया, उसी को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो आई थिंक आपको पूरा 6 स्टेप्स समझ में आ गए होंगे ना, कि कौन कौन से स्टेप्स हैं एक क्रॉप को, एक फसल को उगाने में लगते हैं। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं कुछ, मैं बीच बीच में आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बताता रहूंगा। सबसे पहला है हमारा टिलिंग और प्लगिंग। हमने पहले भी बताया आपको कि टिलिंग और प्लगिंग का मतलब क्या होता है, जुताई। आप देख रहे हो यहाँ पर इंसान क्या कर रहा है, जुताई कर रहा है। तो ये टिलिंग और प्लगिंग होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग। अगर हम मिट्टी को भुरभुरी बनाते हैं या उसको नीचे से ऊपर पलटते हैं, आप देख रहे हो जुताई में क्या होता है, जो नीचे की नमी मिट्टी होती है वो ऊपर आ जाती है, ऊपर की कड़ी मिट्टी नीचे चली जाती है। तो यही होता है हमारा प्लगिंग और टिलिंग। अब क्रम्स, क्रम्स का मतलब क्या होता है, हमारे देसी भाषा में कहें तो ढेला, जो मिट्टियों में हम पानी डालने के बाद उसको ऐसे बड़े बड़े क्या हो जाते हैं, सॉइल के क्रम्स बन जाते हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्रम्स, ढेला जिसे हम कहते हैं देसी भाषा में। द प्लोग फील्ड मे हैव अ बिग पीसेज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अगर एक जोते हुए खेत में हो सकता है मिट्टी के बड़े बड़े क्या हों, टुकड़े हों, उसको हम क्रम्स कहते हैं, हमने आपको पहले भी बता दिया था। आगे देखते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, मतलब हमें अपने फसल को उगाने के लिए कौन कौन से हथियारों की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, हथियार, टूल्स, हम बोलते हैं ना हमें हसिया की ज़रूरत पड़ेगी, खुरपी की ज़रूरत पड़ेगी, फावड़ा की ज़रूरत पड़ेगी, तो वही है ये एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। सबसे पहली ज़रूरत होती है हमें प्लो। प्लो का मतलब क्या होता है, जिससे हम जुताई करते हैं। आपने देखा होगा बैलों में बांध के ऐसी कोई सी चीज़ होती है जिसको बैल के पीछे बांध दिया जाता है और पूरा खेत जुताई की जाती है। अब प्लो क्या होता है, ये एक ऐसा टूल होता है जो कि मिट्टी की जुताई के लिए या उसमें खाद डालने के लिए या वीड्स को हटाने के लिए या मिट्टी को क्या करने के लिए, थोड़ी सी और भुरभुरा बनाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, प्लो का यूज़ करते हैं। तीसरा हो। हो क्या होता है, अब ये एक ऐसा टूल होता है जो कि वीड्स, हम जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हटाने के लिए और मिट्टी को ढीला करने के लिए, मतलब गोड़ने के लिए हम हो का यूज़ करते हैं। आप देख रहे हो, कुदार बोल लो आप इसको, आप फावड़ा बोल लो इसको, सब हो का मतलब यही होता है, ठीक है, एक्चुअल में। आगे देख लेते हैं, अब हमारा एक और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है जिसे हम कहते हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर आज के दिनों में ट्रैक्टरों के पीछे देखा जा सकता है, आपने ऐसी वैसी कोई चीज़ देखी होगी ट्रैक्टरों के पीछे। अब ये कल्टीवेटर होता क्या है, नाउडेज इन दिनों जो जुताई होती है वो ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर से होती है, मतलब ट्रैक्टर के पीछे लगे जो कल्टीवेटर होते हैं उससे आजकल जुताई होती है। और द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। इस कल्टीवेटर की मदद से हमें दो चीज़ों का फ़ायदा होता है, सबसे पहले हमारा समय बच जाता है, टाइम जिसे हम कहते हैं, कम समय में ज़्यादा जुताई हो सकती है, लेबर जो दूसरा बहुत मेहनत लगता था बैल के पीछे चलने में और बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था वो अब हमें नहीं करना होता है। तो ये कल्टीवेटर के क्या है, फ़ायदे हैं। आगे चलते हैं, सोइंग। सोइंग का मतलब क्या होता है, बुआई। मैंने पहले भी कहा इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द ग्राउंड। जब ज़मीन में हम कोई फसल को सबसे पहली बार डालते हैं ताकि वो हमें बड़ा होकर कुछ यील्ड दे, उसी को हम सोइंग कहते हैं। आप देख रहे हो पहले से भी जो जिसको हम कहते हैं बुआई, ये कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरी चीज, मेथड्स ऑफ सोइंग। जब बुआई होती है तो वो दो तरीकों से हो सकती है। सबसे पहला एक ट्रेडिशनल टूल, जो पुराने समय से जिस तरीके से हम बुआई करते आ रहे हैं बैलों के, आप ये देख सकते हो, मैं आपको आपके लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आप इसमें देखिए कि फनल, मतलब कुप्पी से इस प्लो में कुछ डाला जा रहा है, डाला जा रहा है ना। अब ये प्लो में जब डाला जाएगा, बैल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे फसल की जो बीज है वहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, ऐसे ही पूरे खेत में ये बुआई हो जाएगी। ये होती है हमारी ट्रेडिशनल टूल। कहीं कहीं पे क्या होता है, हम इंसानी फेंक देते हैं अनाजों को, ऐसे ऐसे करके फेंक देते हैं, पूरे खेत में छिटका देते हैं, तो वो हमारा ट्रेडिशनल टूल कहलाता है। अब ये दूसरा मॉडर्न टूल कौन सा है, जिसको हम कहते हैं सीड ड्रिल। अब ये सीड ड्रिल क्या होता है, आपने देखा होगा ये पाइप नुमा स्ट्रक्चर बना है कि नहीं, ये पाइप नुमा स्ट्रक्चर बनाएगी नहीं, यहाँ पर अनाज ऐसे 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 डालते रहते हैं, कोई पीछे बैठ के डालता रहता है, जिससे ये जो ये बनी है ना, ये मिट्टी में ऑलरेडी अनाज को डालती जाती हैं, इन्हीं को हम कहते हैं सीड ड्रिल। क्या, चलिए इरिगेशन, सिंचाई देख लेते हैं। किसी भी फसल की जो सिंचाई होती है वो क्या होता है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स। फसलों में जो हम पानी डालते हैं
बहुत थोड़े थोड़े समय के बाद, अगर हम 20 दिन पहले पानी डाला था तो दूसरे पानी देना पड़ता है, तीसरा पानी देना पड़ता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सिंचाई। अपने फसलों को पानी देने को हम क्या कहते हैं, सिंचाई। अब सिंचाई दो तरीके से हो सकती है, एक तो ट्रेडिशनल मेथड, पुराना तरीका, जैसे हम पाइप से खेत को क्या करते हैं, बहुत सारा पानी उसमें डाल देते हैं। दूसरा मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अब इन दोनों को समझ लेते हैं कि पुराने तरीके से हम कैसे पानी को डालते थे अपने फसलों में और जो नया तरीका है वो क्या है। चलिए आगे चलते हैं। ये है हमारा ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अब ट्रेडिशनल मेथड, हम पुराने जमाने में तीन तरीके से अपने फसलों को पानी देते थे। सबसे पहला मोट और पुली सिस्टम। अब ये देख रहे हो आप, पुली, पुली इसे कहते हैं पुली। अब ये पुली सिस्टम क्या होता है, रस्सी लगी होती है, ये कुआं में पानी जाता है, बॉटल जाता है, ये जो मग टाइप का इसने लिया है वो कुआं में जाता है, पानी निकालता है सीधा। किसान एक पाइप बनाया होता है अपने खेत तक के लिए, वहां पर सीधा पानी डालता है और खेतों तक पानी पहुंच जाता है, इसी को कहते हैं मोट और पुली सिस्टम। दूसरा है चेन पंप। चेन पंप आप देख पा रहे हो, यहाँ बाल्टी लगी है, यहाँ बाल्टी लगी है और ये सब खाली बाल्टी है, दिख रहा है ना। तो ये क्या करते हैं ये दोनों, अब यहाँ से पानी गई, ये नीचे जमीन से पानी निकाला गया, अब एक बाल्टी नीचे से गई और ये बाल्टी यहाँ से यहाँ से यहाँ से आके फसलों को पानी दे दिया, फिर ये खाली हुआ, फिर ये नीचे गई, फिर पानी उठाया, फिर यहाँ पानी दिया, तो इसको कहते हैं हम चेन पंप। ढकली, ढकली एक देसी वर्ड से बना है जिसको हम कहते हैं ढेला। ये ढेला बांध दिया जाता है इसमें, यहाँ पे ऐसे रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है ये बाल्टी की जो रस्सी है वो नीचे कुएं में जाती है और वहां से पानी निकाल के ले आती है और किसान अपना आसानी से यूज कर लेता है। अब मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, अब हम नए तरीके से कैसे सिंचाई करते हैं खेतों की वो देख लेते हैं। सबसे पहला स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम ये देख रहे हो, पानी छिटक रहा है, स्प्रिंकल कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक पाइप लगी, यहाँ पे एक पाइप लगी, यहाँ पे एक पाइप लगी, यहाँ पे, और ये छिटक रहा है, इसको हम कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। दूसरा है हमारा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम आप देख पा रहे हो, हर हर एक पौधे के पास पाइप गई है, देख रहे हो ना, और हर पौधे के जड़ के पास ऐसे होल होंगे, वहां से पानी निकलेगा, ये मेन सप्लाई है, इसी को कहते हैं हम ड्रिप सिस्टम। मतलब बूंद बूंद पानी देना फसलों पर, मतलब पानी वेस्ट नहीं होता है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन से। आपको समझ में आया ट्रेडिशनल मेथड हम क्यों अब यूज नहीं करते, क्यों हम मॉडर्न मेथड यूज करते हैं, क्योंकि पानी ज्यादा बच सकता है इसमें। अब यहां पर पानी इकट्ठा डाला जा रहा है, कितना बह रहा है, कितना क्या हो रहा है हमें पता नहीं है, यहां पे देखो बूंद बूंद डाला जा रहा है, जब सारे पौधों के पास पहुंच जाएगा पानी हम इरिगेशन अपना बंद कर देंगे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं लेवलिंग, ये समतल करना जिसे हम कहते हैं, अपने खेतों को समतल करना। तो आफ्टर प्लगिंग, जुताई करने के बाद बड़े बड़े मिट्टी के जो रॉक्स होते हैं वो रह जाते हैं खेतों में, और उसी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं। ये देखो लेबलिंग किससे की जाती है, लेबलर से की जाती है। लेबलर एक भारी सा वजन होता है जो मिट्टी के ढेलों पर रखा जाता है और ट्रैक्टर चलता रहता है, जिससे सारी मिट्टी जो होती है समतल हो जाती है। अब लेबलिंग करने से हमें फायदा क्या मिलता है, मिट्टी को समतल करने से क्या फायदा मिलता है। सबसे पहला फायदा, सॉइल इरोजन नहीं होगा, मतलब अगर बारिश होती है तो मिट्टी कट के बहेगी नहीं। सबसे पहले अगर मिट्टी समतल रहेगी तो मिट्टी कट के बहेगी नहीं। दूसरा क्या होता है, इट प्रमोट्स इरिगेशन। ये इरिगेशन मतलब सिंचाई करने में अगर मिट्टी हमारी समतल है तो कम पानी लगता है, नहीं तो अगर समतल नहीं है तो सिंचाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत ज़्यादा पानी लगता है। तो ये रहा हमारा लेवलिंग के फायदे, और लेवलिंग क्या होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। अब फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को एक वर्ड में अगर मैं कहूँ ना, तो मैन्योर्स का मतलब होता है देसी खाद जो गोबरों से बनता है, प्लांट्स के डेड बॉडीज से बनता है। लेकिन फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये केमिकली मेड सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, इनको हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं। अब इनकी दोनों के बीच में हम अंतर देख लेते हैं। सबसे पहला फर्टिलाइजर क्या होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मतलब ये एक ऐसा नमक होता है जो कि इनऑर्गेनिक होता है, मतलब जिसे हम प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं लेते। इनऑर्गेनिक मतलब जिसे हम प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं लेते, ठीक है। और मैन्योर हमारा नेचुरल सब्सटेंस है, खाद हमारा प्राकृतिक है, जानते हो गाय गोबर देती है, प्राकृतिक है, गोबर को हम जाके खेत में डालते हैं वही तो खाद होता है। चलो आगे देखते हैं, केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस होता है हमारा फर्टिलाइजर, हमने पहले ही बताया ये केमिकली बनाया जाता है हमारे फैक्ट्रीज में रिएक्शन करवा के, तो ये केमिकल पदार्थ हुआ ना। और ये हमारा मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक का मतलब प्लांट्स से मिला है और एनिमल से मिला है, ठीक है।
प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, मैंने पहले ही बताया फर्टिलाइजर्स कहाँ बनाया जाता है, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, लेकिन मैन्योर कहाँ पे बनाया जाता है, खेतों में बनाया जाता है। अब ये फर्टिलाइजर डज नॉट ह्यूमिडिफाई द सॉइल, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हमारे मिट्टी को नमी नहीं देते हैं, लेकिन वहीं पे जो हमारा मैन्योर होता है उसमें इतनी तो नमी होती है, इतना तो ह्यूमस होता है कि वो मिट्टी को दे सके। आगे फर्टिलाइजर क्या होता है, रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जो एक फसल को बढ़ाने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो ज्यादा मात्रा में तो फर्टिलाइजर्स में होती है और कम मात्रा में होती है हमारे खाद में, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कहती है हमारे देसी खाद का यूज करिए, क्योंकि अगर हम फैक्ट्री में बने केमिकल्स का यूज करेंगे तो हमारा जो फसल होगा वो भी केमिकल जैसा होगा, जहर जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या यूज करना चाहिए, खाद, देसी खाद, गाय का गोबर, जो बचे हुए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो सारी चीजें हमें खाद के तौर पर यूज करनी चाहिए। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, मतलब इस चैप्टर में कुछ कीवर्ड्स हैं, मैं उनको बता देता हूं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब खेती करना, इसको हम कहते हैं खेती करना। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पर फसल उगाया जाता है बहुत ही भारी मात्रा में, खेतों में जो बहुत एक एक बीघे दो दो बीघे जो खेती की जाती है, फसल उगाया जाता है, उसी को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर होता है फसल, हम फसल तो उगाते हैं इसमें, लेकिन कौन से ही, फ्रूट्स, ठीक है, वेजिटेबल्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब क्या होता है, जो हम अपने घरों को सजाने के लिए जो पौधे लगाते हैं ना, जैसे ही हमारा कैक्टस का हो गया और भी बहुत सारी ब्यूटीफुल सी फ्लावर्स के हो गए, उन सारे प्लांट्स को हम लगाने को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्रॉप्स, एक फसल क्या होती है, फसल एक प्लांट्स ऐसी होती है जो कि बहुत भारी मात्रा में बोई जाती है ताकि उससे हमें कुछ यूजफुल प्रोडक्ट मिल सके, ठीक है, समझ में आया। जैसे हमारा चना क्रॉप है, चना मतलब आप समझ रहे हो, चना की हम खेती करते हैं और वो हमें बदले में क्या देता है, बहुत सारे चना देता है जिससे खाने और बेचने के यूज में आता है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आगे देख लेते हैं फिर से। वीड्स, वीड्स क्या है, मैंने पहले ही बताया, अनवांटेड प्लांट्स, जो अनचाहे पौधे उग जाते हैं खेतों में, उन्हें हम वीड्स कहते हैं। वीडिसाइड्स, अब यहाँ पर थोड़ी सी गलत हो गई है, इसका टॉपिक होना चाहिए वीडिंग। वीडिंग क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है, तो वीडिंग का आंसर यहाँ पे दिया गया है कि वीड्स कैन बी रिमूव्ड बाई यूजिंग वीडिसाइड्स। हम वीड्स को, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, उनको हम एक केमिकल से रिमूव करते हैं जिनका नाम हमने रखा है वीडिसाइड्स। जैसे पेस्टिसाइड्स होता है वैसे ही वीडिसाइड्स, वीड्स को हटाने के लिए जो दवा यूज की जाती है। अब द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग, और जब हम उस पौधे को निकाल रहे होते हैं, उस अनवांटेड प्लांट को अपनी खेतों से निकाल रहे होते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं, समझ में आया। थ्रेसिंग क्या होता है, अब आप जानते हो थ्रेसर चलता है हमारे घरों में, हमारी फसल जब कट जाती है तब थ्रेसर लगा चलाया जाता है ताकि हमारा दाना और जो भूसा है वो अलग हो सके, उसी को थ्रेसिंग कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विनोइंग। विनोइंग को अगर हम एक वर्ड में बोलें तो इसको बोलते हैं ओसाना, अगर हम देसी भाषा में बोलें तो ओसाना। अब आपने देखा होगा कि लेडीज जो होती हैं वो अक्सर बड़े से बर्तन में जो फसल नई नई हुई रहती है, जिसका अभी जस्ट उन्होंने थ्रेसिंग करवाया है, वैसे दाने को वो बड़े से बर्तन में रखते हैं और हवा चलती रहती है, हवा में क्या करते हैं, ओसाते हैं, जिससे क्या होता है, जो भूसे होते हैं वो अलग उड़ जाते हैं और दाना वजनदार होता है तो वो यहीं पर गिर जाता है, जिससे भूसा और दाने को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब तो ये मॉडर्न मेथड से भी होने लगा है, कई मशीनें आ गई हैं करने लगी हैं ये सारी चीजें। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, फसल रोटेशन मतलब देख लेते हैं क्या होता है। मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स अल्टरनेटिवली ऑन सेम लैंड इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब, फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ ऐसे क्रॉप बोए हैं जिससे हमें फायदा मिलने वाला है, फॉर एग्जाम्पल हमने पैडी या वीट, गेहूं या धान हमने बो दिया, ठीक है, कुछ समय बाद जब हम धान को काटेंगे तो मिट्टी हमारी जितनी भी न्यूट्रिएंट्स रहेगी वो तो फसल ले लेगी, अब उसमें फिर से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, अब फिर से न्यूट्रिएंट्स लाने के लिए हम लेग्यूमिनस प्लांट्स, जिससे जैसे मटर हो गया, ऐसी खेती उसमें करते हैं ताकि फिर से उसमें वापस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स मिल सके और फिर जब हम धान बोएं तो उसकी हमें जो फसल की जो उत्पाद है वो अच्छी मिल सके। तो आई थिंक आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं फिर से कह रहा हूं ये पूरे चैप्टर्स नहीं थे, जितनी चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगी चैप्टर नंबर 1 से मैंने वो दिया है आपके लिए। आपको अगर पूरा चैप्टर पढ़ना है तो हमारा जो
क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाला जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, उसको जरूर पढ़िए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।